कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है, जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है। yes. कि लिथियम का वो खजाना मिलने के बाद भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा है, और ओडिशा के 3 जिलों में सोने के बड़े बड़े भंडार मिले। ठीक है जी, 3 सोने के भंडार। हलवा पकाओ, क्यों नहीं, जली ना तेरी भी जली ना। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। yes. डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, लोग सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे। ताज़ा और अहम खबर दें, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान, रुपया मजीद कमजोर हो गया। सुबह के बच्चे भूखे बैठे हैं, 3 दिन उसे नाकस टोटा 150 रुपए का किलो लेके आ रहे हैं। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35-35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने मरने पर भी टैक्स लगा दिया, जाएं तो जाएं कहां, हम तो बहुत परेशान है, किचन नहीं चल रहा। मुल्क में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है, इस वक्त बड़ा इशू बना हुआ है। प्राइवेट चक्कियों में आटा 160 रुपए किलोग्राम तक पहुँच गया। पेनाडोल और डिस्प्रिन जैसी बिल्कुल आम दवाई, आम मेडिसिन भी पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। नंगापन आ रहा है, जो आज से 100 सदी पिछले था, घास खाएं और गुजारा करें। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। कौन से मुसलमान है ये? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अमन की आशा रखने वालों, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के कबूतर उड़ाने वालों, तुम्हारे लिए गुड न्यूज आई है तुम्हारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से। जैसा कि मैं अक्सर हमेशा कहता रहता हूं कि पाकिस्तान का डॉलर चांद के पार जा रहा है। ठीक है जी, पाकिस्तानी डॉलर का अभी रेट 280 के आसपास चल रहा है, कल 285 था, थोड़ा नीचे गया है, लेकिन ब्लैक मार्केट में अभी भी 300 से प्लस ही जा रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कल परसों तक फिजा खलीफा टी वॉच फैंटास्टिक कर रही थी, द टी इज फैंटास्टिक, लेकिन ये 93,000 फैंटास्टिक तो भूल जाती है। फिर कोई बात नहीं, बड़बोले हैं पाकिस्तानी, और ये फिजा खलीफा तो एक्स्ट्रा लार्ज बड़बोली है। डॉलर जैसे ऊपर गया, फिजा खलीफा की आत्मा चीख उठी, तड़प उठी, और ये गरज पड़ी अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पे, और फिजा खलीफा के चीखने चिल्लाने का ही तो आनंद है। चलते मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं, और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कहने के भारी पड़ने लगा है। मगर क्यों, आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हो। 28 जनवरी को भी जुमेरात का ही दिन था, जब डॉलर 24.5 रुपए महंगा हुआ था। अच्छा सागदार साहब को और कुछ नहीं तो एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मुल्क में डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो बना दी है। अब किसी को डॉलर चाहिए हो तो वो वहीं जाता है और 300 या उससे भी ज़्यादा कहने के ऊपर चला जाता है, खरीद में ले आता है। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कहने की सबकी सांसें रोक दी हैं। और उधर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नया इंकशाफ ये किया है कि जी IMF चंद कदम पीछे हट गया है, और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए, और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं, और IMF को खुश करने के लिए हम लाख जतन कर रहे हैं लेकिन बेसूद। पाकिस्तानी किसी चीज में एक्सपर्ट हो या ना हो, लेकिन दो चीजों में इनका कोई सानी नहीं है, एक तो जियादियों की पलटन बनाने में, दूसरा भीख मांगने में। जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, और बंद कितने कॉन्फिडेंस से कह रही, आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे। अरे बीवी वो भी समझ गए कब तक भीख देंगे इन भिखमंगों को, इनकी तो आदत ही पड़ गई है, तो उन्होंने भी बंद कर दिया। डॉलर्स आने हैं उसमें भी 4 माह की ताखीर हो चुकी है, और इसाकदार साहब हैं कि फिर एक नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी एक हफ्ता और इंतजार कर लें। तो फिजा खलीफा जी चूस लो लॉलीपॉप, क्या बुराई है। 11 माह में रुपए की कदर में 62% कमी हुई है, अवामी कर्जों में 14.3 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह 31.5% तक पहुंच गई है, और अवाम पर मुसलत की गई जो हुकूमत है, ये जो अवाम जो है बेचारी इसकी कीमत अदा कर रही है। अच्छा बात नहीं है।
कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है, जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। अरे तुमसे खुदा नाराज हो गए, तुम तो आसमानी कौम हो, वो तो काफिरों से नाराज रहती है। क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क जल रहा है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं, और दूसरी जानिब दरिंदगी अपने उरूज पर है। कौन से मुसलमान है ये? ये सब कन्वर्टेड मुसलमान है, और फिजा खलीफा तुम भी। इसकी वजह क्या है? अगर तुम अपनी जन्म पोथी खोलने लगोगी ना, तो तुम्हारे बाप दादा भी कहीं ना कहीं हिंदू ही निकलेंगे। तो ये मुसलमान नहीं है, कन्वर्टेड मुसलमान है, कन्वर्टेड। मुसलमान छोड़ो, कैसे इंसान है ये? पहले जिंदा इंसान की बेहुरमती की, फिर उसकी लाश की बेहुरमती की, फिर यही बदबख्त किसी गली के कोने में नुक्कड़ में खड़े होकर दुहाई देंगे कि महंगाई बहुत है, बच्चे भूखे हैं, हुक्मरान हमारे ठीक नहीं है। अल्लाह का अजाब आया हुआ है, बेगैरतों तुम्हारी वजह से आया है। और ये अभी भी ये पाकिस्तानी नहीं सुधरे ना, तो इससे भी बुरे इनके हालात आ जाएंगे। लेकिन ये सुधरेंगे कहाँ भाई? इनकी आवाम तो सुनिए, भारत के 34 टुकड़े करने इस बंदे को। और ये आज का वीडियो है, आज का। आपको पता है इंडिया में इस समय 34 तहरीकें चल रही है आजादी की, पता है आपको? आपके इलम में होगा। और उसके अलावा जितनी गुर्बत उधर इतनी नहीं इधर है। भारत में 34 तहरीकें चल रही है, जबकि भारत के अंदर 34 सूबे भी नहीं है। एक और बहुत अहम सवाल, आप मुझे बताइएगा, जिस मुल्क के अंदर 30 से 50 के दरमियान जो है कि लो हर चीज़ मिल रही है, हर फैसिलिटीज़ मिल रही है, और एक मुल्क के अंदर 200 से 500 के दरमियान मिल रही है, सर कौन से खुश रह रहे होंगे खाने? सर पेट से बड़ी जंग किसी और चीज़ की जंग है? नहीं है, लेकिन देखें, आपको पता है इंडिया में इस समय 34 तहरीकें चल रही है आज़ादी की, पता है आपको? आपके इलम में होगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और उसके अलावा जितनी गुर्बत उधर इतनी नहीं इधर है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? उधर 1 अरब से ज्यादा आबादी है, 1 अरब 1.5 अरब के करीब है, ठीक है। हमारी आबादी 22 करोड़ है, हमें सिर्फ मैनेजमेंट नहीं सही हो रही, हमारे ये लीडर मुखलस नहीं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट मुखलस नहीं है। क्या कह रहे, पाकिस्तानी जाहिल और जहालत ना दिखाए तो वो कैसा पाकिस्तानी भाई? वो सच्चा पाकिस्तानी नहीं है, उसमें पाकिस्तानियत ही नहीं है। सही बात है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये नाराज हो जाएंगे कि क्या बंटी भाई आप फिर से वापस से रिपीट वीडियो दिखा रहे हो। तो भाई इसके पीछे है एक मजबूरी। मजबूरी ये है कि मैं होली पे गया था मुंबई, और मुंबई जाते पाकिस्तानियों ने मेरे चैनल पे कर दिया अटैक। 2 तो कॉपीराइट क्लेम दे दिए हैं, और 1 पे स्ट्राइक दे दिया है। और ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था, इसके लिए मेरे को वापस से रीअपलोड इसको करना पड़ा। अब उनका जो कॉपीराइट कंटेंट का जो मसाला था वो मैंने हटा दिया है, उन्होंने ब्लॉक किया था, स्ट्राइक नहीं मारी थी, वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया था। तो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो गया तो ना तो वो आपको दिखेगा, ना मेरा कुछ रिवेन्यू बनेगा। और ये वीडियो वाकई में ही बहुत अच्छा वीडियो था जो कि आपने देखा, और ये न्यूज़ भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी भी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आपके भाई ने आपके लिए वापस से परोस दिया, रीपैकेजिंग कर गए। आई थिंक अब मेरी मजबूरी तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने डाला, तो इसलिए आप गुस्सा नहीं होंगे, मुझे गालियां नहीं देंगे। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है तो उनकी तो बल्ले बल्ले। तो रीपैकेजिंग के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन के अंदर उतार दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।